सारे व्यूअर्स नु मेरा नमस्कार। 10th क्लास साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी दा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो दे सर्किट दे विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो फ्लो करती है तां वो हीट भी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक सर्किट दे विच। जेकर असी गल करिए इलेक्ट्रिक फैन दी, जो आप इन सर्कट के नाल लगाने इलैक्ट्रिक फैन नू, जेड़ा इलैक्ट्रिक एनर्जी है वह एक तो ब्लेड्स नू घुमाउन दे विच लग जाती है, दूजा इनू हीट भी करती है। ये जेड़ा फैन है उन्हू हीट भी करती है। लो इस टॉपिक नू अच्छी तरह समझिए। आ सर्कट है, आ रजिस्टर है, वी वोल्ट मीटर आई करंट फ्लो कर रहा है, कीज है ई ऑन पोजिशन च, एक बैटरी एक सैल लगाया हुआ एमीटर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू आर रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। पोटेंशियल डिफरेंस वी है रजिस्टर दे इर्द गिर्द आई करंट चल रहा है। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच आ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू अक्रॉस, क्यू चार्ज है जिहड़ा किन्ने टाइम लई फ्लो कर रहा है, टी टाइम लई। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू, ये सानूं पहला पता ही है। जिहड़ा वर्क डन है जो कार्य हो रहा है चार्ज नूं मूव करन लई, किन्ना पोटेंशियल डिफरेंस है वी, थ्रू वी पोटेंशियल डिफरेंस दा उहदा फार्मूला सानूं पता है डबल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, डबल्यू वर्क डन है। पावर, पावर दा पता ही है रेट ऑफ डूइंग वर्क है, पी इज इक्वल टू डबल्यू बटा टी, डबल्यू किन्ना वी क्यू बटा टी। हुण चार्ज बटा टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उहनूं की कह दिंदे आ करंट, ता वी गुणा आई पोटेंशियल डिफरेंस गुणा करंट, तो पावर के बराबर बन गई वी गुणा आई पोटेंशियल डिफरेंस गुणा करंट, वोल्टेज गुणा करंट भी कह देंगे, एक पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला, एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज अ हीट, एनर्जी एज अ हीट इतने खर्च हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि करंट नूं रुकावट पै रही है ना। रजिस्टेंस का की काम, रजिस्टर का काम आ करंट नूं अपोज करना, जिन्नी ज्यादा रजिस्टेंस होएगी उन्ना करंट नूं ज्यादा अपोज करेगी, विरोध करेगी करंट का, उन्नी ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस होएगी। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू पी गुणा टी, पावर गुणा टाइम, तो पावर की वैल्यू पुट कर दो वी गुणा आई गुणा टी, पावर का फार्मूला करी था ना वी गुणा आई, तो यह एच आ गया वी गुणा आई गुणा टी, एक फार्मूला ये बन गया। हुण बाय ओम्स ला वी किसके के बराबर, आई आर के बराबर, जो हमने किया हुआ है तो एच इज इक्वल टू ए वैल्यू इत्थे इहदे च पुट कर दित्ती वन दे विच, वी के दे बराबर आई आर, आई आर गुणा आई गुणा टी बन गया आई स्केयर आर टी। इहदा मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ करंट एंड डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू रजिस्टेंस एंड डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू टाइम। कहने का मतलब अगर करंट ज्यादा पास हो रहा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होएगी, रजिस्टेंस ज्यादा है तो भी हीट ज्यादा। अगर किसी कंपोनेंट में ज्यादा समय तक करंट चलता रहे तो भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इनू की कह दें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इक्वेशन है। क्वेश्चन है पेज 218 दे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल हीटिंग द एलीमेंट डज, तुसी देखन जिहड़ी इलेक्ट्रिक हीटर उहदे नाल जिहड़ी तार लाई हुंदी उह गर्म नहीं हुंदी, अर्थात ग्लो नहीं करदी, ते जिहड़े एलीमेंट आ उह ही गर्म होके हीट दिंदा, रेड कलर दा हो जांदा तुसी देखदे जो गर्म हुंदा। वी नो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आ फार्मूला हुणे कीता। द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ कॉपर, जिहड़ी कॉर्ड आ तार आ जिहड़ी इलेक्ट्रिक हीटर नूं जांदी सप्लाई ओह कॉपर दी हुंदी, विच हैज नेगलेजिबल रेजिस्टेंस, उहदी रेजिस्टेंस बहुत घट हुंदी, देयरफॉर नेगलेजिबल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन कॉर्ड, इस करके बहुत ही घट हीट प्रोड्यूस, गर्म तो हुंदा पर थोड़ा हुंदा, एंड इट डज नॉट ग्लो, इस करके वह ग्लो नहीं करता। ऑन द अदर हैंड रजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलीमेंट, वह मोस्टली तुहानू पता ही है नाइक्रोम दे बने हुंदे है, इहदे बारे मैं पिछे तुहानू समझाया सी, इह मिश्र धात है नाइक्रोम अलॉय है, इहदी रजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुंदी है,
देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज हाई, रेजिस्टेंस हाई होंगी है, जिस तरह नाइक्रोम है। देयरफॉर अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू विच इट ग्लोज, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होने करके फार्मूला ही देख लो, जिन्नी रेजिस्टेंस हाई होगी उन्नी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कॉलम ऑफ चार्ज इन वन ओवर थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। इतने टाइम का कोई इन्ना ही इतने यूज नहीं होना, क्योंकि अपने को डायरेक्ट फार्मूला जिहड़ा चार्ज ट्रांसफर किया 96,000 आ, टाइम वन ओवर आ जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस 50। हीट जनरेटेड का डायरेक्ट फार्मूला साडे कोल हैगा वी गुणा क्यू, पोटेंशियल गुणा चार्ज, या चार्ज गुणा पोटेंशियल भी लिख सकते, तुसी क्यू भी लिख सकते हो। 50 गुणा 96,000 लो ये बन गया 48 लाख जूल्स, जूल यूनिट है हीट जनरेटेड का, जूल यूनिट है। तो इन्हों इदा भी लिख सकता डेसीमल च 4.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर डेसीमल इत्थे आ, ते इत्थे एक्चुअली जे ना होवे उन्हों मूव जो इत्थे करांदे आ तो 10^6 आएगा, 6 डिजिट लेफ्ट नूं मूव कराया 10^6 जूल बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन, अगर डायरेक्ट इत्थे भी आंसर इन्ना भी लिख दें तां भी ठीक है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, कैलकुलेट द हीट डिवेल्प्ड इन 30 सैकेंड, 30 सैकेंड दे विच किन्नी हीट डिवेल्प हुई। आर 20 ओम रेजिस्टेंस, आई करंट 5 एम्पीयर, टाइम इज इक्वल टू 30 सैकेंड, 30 सैकेंड लई करंट चलिया, हीट डिवेल्प्ड होए फार्मूला कीता आई स्केयर आर टी, आई 5 द स्केयर, आर 20 गुणा 30, 5 द स्केयर 5 गुणा 5, 20 गुणा 3 इन्हों मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25 50 50 बनना 50, 50 3 गुणा करो ता बन गया 150, ते 2 शून्य ना लगा दो, ये आ गया 15,000 जूल्स, जेदा मतलब जूल है। तो ये सी 3 क्वेश्चन।